कि एक तो उनका काफिला है जो लगभग लगभग अब 6 दिन हो गए उसे अपनी जगह पर रुके हुए, टस से मस नहीं होते हुए। इसकी बहुत सारी वजहें बताई जाती हैं। जब एक 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 इस तरह की सड़क, आप समझ लीजिए आमतौर पर ऐसी ही सड़कें आप यूक्रेन में आपको दिखती हैं, इस तरह की सड़क पर एक काफिला अगर आगे बढ़ रहा है तो जो सबसे जो आगे टैंक चल रहे हैं उसमें जो रिजर्व जो उसका फ्यूल है, ईंधन है, वो रखा जाता है। पर जब इतने दिन, इतना समय बीत जाता है ना, वो रिजर्व ईंधन भी जब खत्म होता है, आप तक ईंधन पहुंचता कहां से? इतने दिनों तक आपको सस्टेन करने के लिए बाकी गाड़ी, ये बताया जा रहा है कुछ ब्रेकडाउंस भी हुए उस काफिले में, आगे नहीं बढ़ पाई गाड़ियां, और एक आध भी गाड़ी अगर स्टॉल होती है रास्ते में तो बाकी पूरा काफिला, इसीलिए वो 30 किलोमीटर लंबा जो बताया जा रहा है वो पूरा काफिला अटक जाता है। कुछ जो फौजी गाड़ियां हैं वो उनके टायर्स भी बर्स्ट किए, तो वहां पर जिस जिस जगह वो अटकते गए तो पूरा का पूरा काफिला पीछे के इलाके में फंसता चला जाता है। तो अब एक तो रूस वहां पर फंस गया, दूसरा इरपिन के पूरे इलाके में 3 ब्रिजेस, एक को लेकर संघर्ष चलता रहा, लड़ाई चलती रही, एक ब्रिज को उड़ा दिया, उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई, यूक्रेन ने उड़ा दिया, मतलब मारियोपोल, खार्किव, चेर्निहिव सहित कई अहम शहरों पर तो रूस ने कब्जा जमा लिया, लेकिन जैसे जैसे राजधानी कीव के करीब आ रहा है वैसे वैसे मुसीबतें बढ़ती जा रही। जो यूक्रेन के सैनिक है ना, उन्होंने भी जो रेलवे लाइन है थोड़ी ऊंची पटरी ऊपर से गुजरती है उसके ऊपर पोजीशंस ले रखी थी, वहां तक हम गए थे, लेकिन यूक्रेन के टैंक्स वहां पर खड़े थे, वहां से जवाबी कार्रवाई हो रही थी। और इस जवाबी कार्रवाई में 5 टैंक जिसे मारा गया, जिसे ध्वस्त किया गया था, और एक रेजिमेंटल कमांडर जो कि रूसी सेना का था वो भी इस आक्रमण में मारने का दावा किया यूक्रेन ने। तो खतरा हर दिशा से अब यूक्रेन के लिए, यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए आगे बढ़ रहा है। इरपिन हमने आपको बताया, ये वाला इलाका हो गया कीव ओब्लास्ट, यानी एक तो बूचा हो गया, साथ में ये ब्रोवरी का जो इलाका हम आपको बता रहे हैं। अब ये भी है कि दक्षिण से भी कीव की ओर जो फौजें हैं वो बढ़ रही हैं, तो एक तरह से समझिए कि घेराबंदी जो है वो कंप्लीट हो रही है, लेकिन रूस अपनी रफ्तार से धीमे बढ़ रहा है, चाहे इसे रणनीति देखें, चाहे इसे हम उसको शायद वो नहीं बढ़ पा रहा हो, रेजिस्टेंस मिल पा रहा हो, उस नजरिए से देखें। रूसी सेना ने कीव की घेराबंदी तो कर ली है, लेकिन राजधानी के केंद्र तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। कीव शहर में सैनिकों की तैनाती बढ़ती जा रही है, बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला आपको पूरे शहर में दौड़ता हुआ नजर आ जाएगा, सैनिक हथियारबंद हर मोर्चे पर तैनात हैं, और इसकी सीधी सी वजह यह है कि समझ लीजिए कि जो मोर्चा है वो सरहदों से पीछे हटता हुआ अब कीव शहर के इर्द गिर्द रह गया है। यूक्रेन की सेना ने सड़कों पर ऐसे अवरोध लगाए हैं जो टैंकों का रास्ता रोकने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में तैयार किए गए थे, साथ ही लोगों ने भी युद्ध में हथियार से लेकर सप्लाई तक का मोर्चा थाम लिया है। देखिए इन हालातों में बहुत ज्यादा जरूरत सैनिकों को इस चीज की भी होती है कि क्या सामान वगैरह मिल पाएंगे उन्हें, खाने पीने की चीजें मिल पाएंगी, पानी, इस तरह की बुनियादी चीजें होती हैं, तो वो सप्लाईज देने के लिए भी आम लोग सामने आते हैं, खासकर जो हिंदुस्तानी है वो भी समुदाय यहाँ पर सामने आ रहा है कि सबकी मदद की जा सके। यूक्रेन की मोर्चाबंदी भारी है, लेकिन रूस की सेना का आगे बढ़ना भी जारी है। रूस की रफ्तार भले कम हो गई है, लेकिन उसका इरादा पक्का है, अगर रूस की सेना राजधानी कीव में घुसी तो उसका रास्ता रोकना बहुत मुश्किल होने वाला है।